हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम लोग केमिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, क्लास अलेवेंथ और ट्वेल्थ, इन चारों क्लास के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर अगर बात की जाए कक्षा नौ की और ग्यारह की और बारह की, इनके लिए खासा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके सिलेबस में ये टॉपिक है। ठीक है, कक्षा नौ में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, कक्षा ग्यारह में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और कक्षा बारह में तो आते ही आते हैं। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो सभी प्रकार के बच्चों के लिए, यानी चाहे वो कक्षा नौ का हो या ग्यारह का हो, सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है विलयन। हम लोग विलयन को पढ़ने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में जो है सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जहाँ तक विलयन की बात की जाए कि विलयन कहते किसको हैं, तो विलयन का एक छोटा सा परिभाषा है वो आपको हम बता दे रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समांगी मिश्रण होना चाहिए। यह समांगी मिश्रण है क्या चीज़, यानी होमोजेनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिनमें उपस्थित घटक को अलग करके हम ना देख सकें, जिनमें उपस्थित घटक को हम अलग करके ना देख सकें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल स्वरूप शरबत है, तो शरबत आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इसमें चीनी और पानी जो है होता है, लेकिन हम ना चीनी को अलग कर सकते हैं ना पानी को अलग करके देख सकते हैं। तो ये जो एक प्रकार का जो मिश्रण बना, इसको हम लोग जो है समांगी मिश्रण बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो घटक हैं यानी जो मिले हुए हैं उनको हम अलग करके ना देख सकते हो। ठीक है, तो समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिनमें उपस्थित घटक को हम अलग करके ना देख सकते हो। तो परिभाषा क्या हो जाएगी विलयन की, कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं, यानी सॉल्यूशन कहते हैं। अब थोड़ा सा अगर इसमें आगे चला जाए तो विलयन जो होता है उसमें दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, यानी जो कोई भी विलयन होता है उसमें दो प्रकार के घटक होते हैं, यानी जिन घटकों से विलयन का निर्माण होता है उनको हम लोग कहते हैं विलेय, और दूसरा नंबर है हम लोग कहते हैं विलायक, यानी सोल्यूट, और दूसरा है साल्वेंट यानी विलायक। बहुत ही ध्यान रखना है साल्वेंट और सोल्यूट को, यानी विलेय और विलायक को बहुत ही अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है आपको, कि किसी भी क्या नाम है मिश्रण में यानी विलयन में कौन सा विलायक होगा और कौन सा विलेय होगा, क्योंकि तभी हम जो है आगे के क्वेश्चन इस पर आधारित कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम बहुत ही छोटा परिभाषा और सटीक परिभाषा बता दे रहे हैं कि विलेय और विलायक का परिभाषा क्या होता है। तो पहला परिभाषा विलेय का क्या होता है भाई, कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम हो, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घटक की मात्रा क्या हो, कम हो, उसे हम लोग विलेय कहते हैं। अब जैसे कि आप लोग शरबत बनाते हैं उसमें चीनी कम डालते हैं पानी ज़्यादा डालते होंगे, तो चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया, और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। यानी विलयन में जिस घटक की मात्रा कम हो उसे जो है हम लोग विलेय कहते हैं, और जिस घटक की मात्रा अधिक हो उसे हम लोग विलायक कहते हैं। जिस घटक की मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा कुछ हद तक सही है, कहीं कहीं पर यह परिभाषा जो है लागू नहीं होती। जैसे मान लीजिए अगर हमने 100 ml जल लिया हुआ है, 100 ग्राम जो है जल लिया हुआ है या 100 ml जल लिया हुआ है, उसमें अगर हम 200 ग्राम चीनी मिला दें, तो यहाँ पर चीनी की मात्रा ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी चीनी जो है विलायक नहीं होगा, वो हमेशा विलेय ही होगा। ठीक है, तो इस जगह पर एक परिभाषा और बन जाती है। ठीक है, इस जगह पर यानी ऐसे केस के लिए परिभाषा एक और बन जाती है। दूसरी परिभाषा क्या होती है विलेय की, कि विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था, विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था, जैसे मान लीजिए विलेय है या विलायक, उसकी भौतिक अवस्था कुछ ना कुछ होगी। जैसे चीनी है तो भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस, और पानी है, जल है, तो उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव। ठीक है, तो हमने क्या कहा, विलयन के जिस घटक यानी विलेय अथवा विलायक,
की भौतिक अवस्था विलयन के असमान होती है, यानी समान नहीं होती है, उसे हम लोग विलेय कहते हैं, उसे हम लोग विलेय कहते हैं। और जिस घटक की भौतिक अवस्था जो है विलयन के भौतिक अवस्था के समान होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा भी ध्यान रखेंगे आप लोग, साथ ही साथ ऊपर वाला जो परिभाषा बताया है उससे भी काम चल जाएगा आपका सवाल लगाने में, लेकिन ये परिभाषा भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी किसी किसी केस में जो है हमें जान ही नहीं मिलता है कि यहाँ पर विलेय कौन है और विलायक कौन है। जैसे अभी जो है अल्कोहल मिला दिया जाए, अल्कोहल मिला दिया जाए जल में, तो अल्कोहल यानी शराब जो है अगर जल में मिलाया जाए तो उसका जो विलयन बनेगा, ठीक है, उसका जो विलयन बनेगा, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि विलेय कौन है विलायक कौन है भाई, तो देखिए अल्कोहल की भी भौतिक अवस्था द्रव होती है और जल की भी भौतिक अवस्था द्रव होती है और विलयन की भी भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव ही होगी। ठीक है, तो इसमें सभी घटकों की भौतिक अवस्थाएं जब द्रव हो, तो यहाँ पर जो है आप मात्रा देख लीजिए, यानी जिस घटक की मात्रा ज़्यादा है उसको आप जो है विलायक मान लीजिए और जिस घटक की मात्रा कम है उसे विलेय मान लीजिए। और जब भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, तो जिनकी भौतिक अवस्थाएं विलयन के समान हो उनको हम लोग विलायक कहेंगे, और जिनकी भौतिक अवस्थाएं विलयन के समान ना हो, जिस घटक की भौतिक अवस्थाएं विलयन के समान ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। तो ये तो हुई जो है विलेय और विलायक की बात। अब इसी के आगे एक टॉपिक और होगा, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, तो विलयन जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन यानी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। यानी तीन प्रकार के जो है विलयन होते हैं, कौन कौन से, अति संतृप्त यानी सुपर सेचुरेटेड इसको बोलेंगे हम लोग, असंतृप्त हो गया यानी अनसेचुरेटेड, और संतृप्त हो गया यानी सेचुरेटेड, और अति संतृप्त यानी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हमें विलयन के प्रकार का अध्ययन करना है तो थोड़ा सा जो है एक टॉपिक और पहले ही हमें जान लेना होगा, वो टॉपिक है हमारा विलेयता, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं सोलिबिलिटी। अब ये विलेयता क्या होता है भाई, विलेयता का मतलब होता है किसी पदार्थ की या किसी विलेय की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घोली जा सकती हो। किसी पदार्थ अथवा विलेय की वो मात्रा, अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलेय में जो है घोली जा सकती हो, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम हमारा जल है विलायक है, इसमें अधिकतम हम 30 ग्राम चीनी मिला सकते हैं, अधिकतम हम 30 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, यानी 30 ग्राम विलेय घोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो विलेयता हुई वो 30 ग्राम हुई, ठीक है, यहाँ पर जो विलेयता हुई वो 30 ग्राम हुई, यानी 30 ग्राम से ज़्यादा चीनी हम नहीं घोल सकते, वो घुलेगी नहीं अंदर जो है, चाहे इतना आप उसको जो है क्या नाम है हिलाएंगे, वो घुलेगी नहीं। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर विलेयता कितनी हुई चीनी की, वो 30 ग्राम हुई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना जरूरी है, विलेयता किसे कहते हैं। तो विलेयता का मतलब क्या बताया हमने, कि किसी पदार्थ अथवा विलेय की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम जो है विलायक में घोली जा सकती हो, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो बहुत ही आसानी से आपको ये तीनों परिभाषाएँ समझ में आ जाएंगी। पहला है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब ये है कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी विलेयता से कम मात्रा विलेय की घुली हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम घुली हो, उसको हम लोग जो है असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल स्वरूप हमने बताया कि अगर 100 ग्राम जल में जो है हम लोग 30 ग्राम जो है चीनी मिला सकते हैं अधिकतम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम जो है उस चीनी की विलेयता हुई। लेकिन अगर हमने मान लीजिए 25 ग्राम मिलाया हुआ है, 28 ग्राम मिलाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी विलेयता से हमने कम जो है इसमें चीनी मिलाया हुआ है और इसमें विलेय किया जा सकता है। तो ऐसा विलयन हो जिसमें उसकी विलेयता से यानी विलेय की विलेयता से जो है
कम मात्रा जो है मिलाई गई हो विलेय की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोलते हैं। दूसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसमें उसकी विलेयता के बराबर, यानी जितनी उसकी विलेयता होती है उसके बराबर जो है विलेय की मात्रा घोली गई हो या मिलाई गई हो, उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। अब जैसे 30 ग्राम विलेयता थी तो 30 ही ग्राम जो है मिला दिया गया हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसा विलयन बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। और तीसरा होता है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त अति मतलब जो होता है ज़्यादा, यानी उसको संतृप्त करने के लिए, यानी किसी भी विलयन को संतृप्त करने के लिए अगर विलेय की पदार्थ की मात्रा जो है उसकी विलेयता से अधिक मिलाई गई हो, यानी ज़्यादा और मिला दें हम, तो वो जो विलयन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अतिसंतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। यानी अगर 100, यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, 30 ग्राम उसकी विलेयता थी, अगर हमने 32 ग्राम मिला दिया तो ये कैसा विलयन कहलाएगा, अतिसंतृप्त विलयन कहलाएगा, मतलब उसकी विलेयता से अधिक मात्रा जो है हमने यहाँ पर मिला दी है विलेय की, ठीक है। तो ऐसा विलयन जो है क्या कहलाएगा, अतिसंतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो आपने जो है विलयन पढ़ा कि विलयन होता क्या है, विलयन के घटक पढ़े कि विलेय किसे कहते हैं, विलाय किसे कहते हैं, और तीसरा चीज़ जो है आप लोगों ने पढ़ा विलयन के प्रकार को पढ़ा कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, किस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, टॉपिक है हमारा विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। देखिए कोई भी विलयन होता है तो उसमें सांद्रता व्यक्त की जाती है, उसकी जो है सांद्रता व्यक्त की जाती है। सांद्रता जो है एक प्रकार से मात्रा ही है, वो ये बताता है कि इस विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, ठीक है, ये बताता है कि किसी विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता। तो किसी भी विलयन का हमेशा जो है सांद्रता व्यक्त किया जाता है, और सांद्रता जो है कई पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी विलयन की जो सांद्रता है वो निम्न पदों में व्यक्त की जाती है। कौन कौन से पद हैं, पहला है मोलरता के पदों में, मोलरता के पदों में, दूसरा है मोललता के पदों में, मोललता के पदों में, तीसरा है नॉर्मलता के पदों में, नॉर्मलता के पदों में, चौथा है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, या इसको एक और नाम देते हैं अथवा शक्ति या सामर्थ्य भी कहते हैं, सामर्थ्य के पदों में, के पदों में, यानी इसमें भी व्यक्त की जाती है, यानी ग्राम प्रति लीटर में या शक्ति भी उसको कहते हैं या सामर्थ्य भी कहते हैं, उनके पदों में व्यक्त की जाती है। और अगला है द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, ठीक है, अगला है द्रव्यमान आयतन के पदों में व्यक्त की जाती है, द्रव्यमान आयतन, यानी इसको बोलते हैं W/V, इसको बोलते हैं W/W के पदों में। W का मतलब होता है यहाँ पर भार से है, और V का मतलब आयतन से है, यानी द्रव्यमान मतलब W और V मतलब आयतन से लिया गया है, और द्रव्यमान के पदों में यानी W/W। सातवां है मोल प्रभाज के पदों में, मोल प्रभाज के पदों में। तो इतने जो है पदों में किसी भी विलयन की, और भी पद होते हैं, फार्मलता के पदों में भी व्यक्त की जाती है, कई पद होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, इन पे जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर मोललता पे, मोललता पे और नॉर्मलता पे और मोल प्रभाज पे, इन पे क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में 12 में आते हैं क्वेश्चन, 11 में भी काफ़ी मात्रा में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और 9 में तो पूछे जाते ही जाते हैं, 9 में इनसे भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग एक एक करके जो है सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, पहले मोलरता को, फिर मोललता को, इस तरह से जो है क्रमवाइज सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर हम जो है सभी टॉपिक पर आधारित एक वीडियो जो है हम न्यूमेरिकल का भी डालेंगे, और उस न्यूमेरिकल के वीडियो को देख लीजिएगा, सारे टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे आपको।
आज जो है हम लोग इसके जो है परिभाषा को जान लेते हैं, ये मोलरता है क्या चीज़, मोललता है क्या चीज़, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो चलिए पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं मोलरता के पदों में। मोलरता को इंग्लिश में कहते हैं मोलेरिटी। मोलरता किसे क्या बोलते हैं, मोलरता को मोलेरिटी, ठीक है। पहले इसका एक फार्मूला लिखा दे रहे हैं, फिर फार्मूला के हिसाब से इसकी हम परिभाषा बता देंगे, ठीक है। तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता को कैपिटल यम से निरूपित किया जाता है, बराबर पदार्थ का मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, कौन से पदार्थ, यहाँ पर जो घुला गया पदार्थ है, यानी पदार्थ के यहाँ पे हम लोग विलेय के लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से निरूपित करते हैं, बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ये फार्मूला होता है मोलरता का, ठीक है। यानी मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो परिभाषा क्या बन जाएगी मोलरता की, कि किसी विलयन के एक लीटर आयतन में, अगर एक लीटर आयतन हो, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में विलीन, यानी विलीन मतलब घुले हुए, विलीन लिखिए या घुले हुए लिखिए, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कहेंगे हम भाई, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, इसको थोड़ा सा अगर और भी बढ़िया तरीके से लिखा जाए इस सूत्र को, तो m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या यानी n होती है, और n बराबर एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11 में ही, ठीक है, जो मोल अवधारणा पढ़ी होगी। तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो जहाँ पर n लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डब्लू वाई एम, क्या लिख सकते हैं डब्लू वाई एम, यानी w जो होता है वो विलेय का भार है, और m जो है वो विलेय का अणुभार है, बटे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन v लेंगे हम लोग, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं आपको वो आपके उसमें विलयन का आयतन जो है ml में दिया होता है, तो अगर ml में दिया होगा तो इसको 1000 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। ये तब करेंगे जब ml में दिया होगा भाई, अगर लीटर में दिया है तो डायरेक्ट हम लोग केवल यहाँ पर वैसे ही मान रख देंगे v का, ठीक है, तब 1000 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मोस्टली हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है विलयन का आयतन ml में ही दिया रहता है, तो उसको हमें लीटर में बदलना पड़ता है। तो ये फार्मूला फिर किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अगर ml में आयतन दिया हुआ हो तो m बराबर हो जाएगा w इंटू 1000 बटे m इंटू v, यानी ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। कब, जब विलयन क्या नाम है का आयतन जो है ml में दिया हो तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर विलयन का आयतन ml में ना दिया हो, लीटर में ही दिया हो, तो बस इतने हम लोग लगा देंगे, ठीक है, यही फार्मूला लगा देंगे, ठीक। अब इसके मात्रक की थोड़ी सी बात कर ली जाए, मात्रक क्या होगा भाई, तो मोलों की संख्या का मात्रक तो मोल ही होता है, और आयतन का मात्रक यहाँ पर लीटर में दिया ही है, तो मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो जब भी सवाल आप लगाएंगे तो उसमें मोलरता निकालेंगे तो उसका मात्रक क्या लिखेंगे भाई, मोल प्रति लीटर लिखेंगे, मोल प्रति लीटर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मोलरता वाला टॉपिक पूरा हुआ, आपने जान लिया होगा कि मोलरता कहते किसको हैं, और मोलरता जो है कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हमने फार्मूला भी बता दिया। अब जो है अगला और दूसरा टॉपिक लेते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोललता, मोललता, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मोलेलिटी, जहाँ पर रिटी था वहाँ पर लिटी हो जाएगा मोलेलिटी। इसका भी सूत्र पहले लिखा दे रहे हैं, उसके बाद जो है इसकी परिभाषा हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर, मोललता को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, मोललता बराबर
विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी वही स्मॉल n बटे विलायक का भार किलोग्राम में, बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किस में रखेंगे हम लोग, किलोग्राम में। तो परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी मोललता की, कि किसी विलायक के एक किलोग्राम भार में, किसी विलायक के एक किलोग्राम भार में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को या विलीन विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। अब जो है इसका भी फार्मूला थोड़ा सा जो है हम इसको जो है सही रूप में लिखना चाहें इस सूत्र को, तो जो मोलों की संख्या होती है वो अभी हमने बताया कि उसके बराबर किसके बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार के। तो विलेय के मोलों की संख्या है तो विलेय का भार यानी स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम यानी विलेय का अणु भार। अब यहाँ पर भी स्मॉल एम है, यहाँ पर भी स्मॉल एम है, तो एक काम करिए इसको डायरेक्ट मोललता ही क्यों लिखिए, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वैसे मोललता को स्मॉल एम से ही डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, और अणुभार को भी स्मॉल एम से निरूपित किया जाता है। तो दो बार स्मॉल एम ना लिखें, एक बार यहाँ पर मोललता लिख दें, यहाँ पर जो है स्मॉल एम लिखें। इस स्मॉल एम का मतलब क्या है, विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार। तो विलायक के भार को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे, और जैसे हमने बताया था कि जो है मोलरता में कि विलयन का आयतन ज़्यादातर सवालों में जो है ml में दिया रहता है, लीटर में बदलना पड़ता है, उसी तरह से विलायक का भार ज़्यादातर सवालों में जो है ग्राम में दिया होता है, उसे हमें किलोग्राम में बदलना होता है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, डब्लू इंटू 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू, एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये मोललता बराबर फार्मूला बन जाएगा, जहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है, और स्मॉल एम क्या है, वो विलेय का अणुभार है। हाँ एक चीज़, ये जो कैपिटल डब्ल्यू है वो विलायक का भार है, लेकिन किस में है, ग्राम में है, क्योंकि हमने 1000 से भाग कर दिया है। अब अगर किलोग्राम में ही दिया हो सवाल में तो आपको 1000 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है, इतना चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटे 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने पे आप सवाल को हल कर लीजिए, इतने पे ही, ठीक है, आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा चाहे ब्रैकेट में आगे, कि ये सूत्र कब लगाएंगे, जब विलायक का भार ग्राम में दिया हो, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख देंगे जब विलायक का भार ग्राम में दिया हो, या इसी तरह से जो मोलरता का हमने जो फार्मूला निकाला था वहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में जब विलयन का आयतन लीटर में दिया हो, तो वो फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके भी यूनिट की बात कर लीजिए, इकाई की बात कर लीजिए, या जिसको हम लोग मात्रक बोलते हैं उसकी मात्रक की बात कर लीजिए, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर मात्रक की बात करें तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है, मोल, और बटे लगा हुआ है, और भार का यहाँ पर किलोग्राम में है तो मोल प्रति किलोग्राम। तो अगर मोललता का मात्रक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है आज मोलरता और मोललता को अच्छे प्रकार से जान लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोलरता होता क्या है, मोललता होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है। अभी हमने जो है इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं लगवाया है, जब ये पूरा टॉपिक हम पूरा कर लेंगे तो इस पर जो है न्यूमेरिकल आपको लगवा देंगे, हम एक वीडियो न्यूमेरिकल का अलग बनाएंगे हम, जिसमें मोलरता मोललता और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सांद्रता व्यक्त करने वाले, उस पर जो है न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे, ठीक है। और इसके आगे का जो खंड बचा हुआ है नॉर्मलता वाला या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाला, उसका जो है इंतज़ार आप लोग अगले वीडियो में कीजिए, वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है सांद्रता व्यक्त करने की वाली विधियाँ, ये कम से कम आपको हम 3 वीडियो इसका देंगे, एक वीडियो में इसके बाद वाले वीडियो में जो है इसके आगे का पोर्शन देंगे, जैसे नॉर्मलता सांद्रता में ग्राम प्रति लीटर सांद्रता मोल प्रभाज, इन सब में भी जो है हम लोग व्यक्त करेंगे सांद्रता को, इसका जो है फार्मूला और इसकी परिभाषा वगैरह बताएंगे। उसके बाद एक वीडियो जो है हम लोग स्पेशली न्यूमेरिकल का देखेंगे इस पर आधारित, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए और इसको जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, धन्यवाद।